अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाना चाहते हैं, या आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ पा लिया है पर अभी भी कुछ अचीव करने की आवश्यकता लग रही है, या आपकी लाइफ में एक पैटर्न टाइप का चल रहा है और वो बार बार पैटर्न रिपीट होते रहते हैं और उनको कुछ ब्रेक करने की आवश्यकता है, पता नहीं कैसे करें, तो आप बिल्कुल सही पॉडकास्ट पे आए हैं। आज इन सब चीजों के बारे में चर्चा होगी और आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो जल्दी से हम अपने गेस्ट को थोड़ा सा परिचित कर देते हैं। सर सिम्बायोसिस पुणे से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। लगभग 1.5 दशकों तक सर ने अलग अलग कंपनीज में अपना योगदान दिया है, देश विदेशों की यात्रा की है, इन कंपनीज को रिप्रेजेंट किया है, और फिर सर आध्यात्मिकता में के मार्ग में पूरी तरह से आ चुके हैं। सर ने बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन लाए हैं, और सर यूं तो बचपन से ही आध्यात्मिकता के मार्ग पे थे, क्योंकि बचपन से ही बहुत संतों का आना जाना उनके परिवार में, उनके घर में लगा हुआ था, और सर बहुत सारे आश्रमों में भी विजिट करते थे, और इसी दौरान सर ने ध्यान के बारे में भी सीखा। तो यूँ कहिए कि बहुत छोटी उम्र से सर ने ध्यान की अपनी यात्रा की शुरुआत की, और इसी वातावरण में सर को एक बहुत अच्छी आदत लगी, वो थी किताबें पढ़ने की। और किताबें जब उन्होंने पढ़ी तो इस आध्यात्मिकता के ज्ञान को, इस रुचि को और ज्यादा बढ़ाया। अगर मैं उनकी एक्सपर्टीज की बात करूं तो वो एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कोच हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर और एडवांस प्राणिक हीलर भी हैं, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर और ट्रेनर भी हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट कोच हैं और ब्रेन एंड मेमोरी के ट्रेनर भी हैं। आज के गेस्ट हैं गौरव विद जी, और सर के बारे में हमें और ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमने एक विस्तार से पॉडकास्ट किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सर से रूबरू कराने से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी न्यूज देना चाहती हूँ। वी हैव अ ग्रेट न्यूज फॉर यू। सर दिल्ली आ रहे हैं 2 दिन की रिट्रीट के लिए, और वहां पर बहुत से लोगों की लाइफ परिवर्तन होगी, आप भी जरूर आइएगा। बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर करवा लिया है और बहुत सारे लोग रजिस्टर करवा रहे हैं। उनकी कुछ प्रश्न थे, कुछ क्वेरीज थी, और हमने सोचा चलिए एक पॉडकास्ट के माध्यम से उनकी ये प्रश्नों की उत्तर दिया जाए, उनकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाए। तो बिना किसी विलंब के हम सर का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत प्रणाम सर, बहुत बहुत नमस्कार, आत्मवंदन आपको, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। आत्मवंदन, धन्यवाद याचना जी फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच। सर आप दिल्ली आ रहे हैं, आपने बहुत जगह रिट्रीट्स की हैं, तो दिल्ली आप पहली बार आ रहे हैं, आपने हिमाचल, पंजाब, जम्मू और बहुत जगह रिट्रीट आप करते हुए आ रहे हैं, तो दिल्ली आने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? याचना जी, जैसे आप, मैं और हमें सुनने वाले सभी साथी ये जानते हैं, समझते हैं कि हम सभी ऊर्जा हैं और हम एक ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। यूनिवर्सल माइंड, वही ईश्वर, परमात्मा, क्रिएटर, सोर्स। तो ये सारी चीजें जब हम प्रकृति से जुड़े रहते हैं, जैसे पशु पक्षी जुड़े हुए हैं, तो उनको हर पल वहीं से गाइडेंस आता है और वही यूनिवर्सल प्लान के साथ अलाइन रहते हैं। इसीलिए तो शायद जंगल में आग लगने से कहीं पहले हाथी अपना रास्ता बदल लेते हैं। इसीलिए तो सर्दियां होने पर पक्षी हजारों मील दूर अपना भोजन और आश्रय ढूंढने के लिए चले आते हैं, बिना किसी गूगल मैप के, बिना किसी नेविगेशन सिस्टम के, क्योंकि वो उसी माइंड से कनेक्टेड है। मैंने अपने आप को बहुत साल पहले पूरी तरह से कुदरत के सम्मुख समर्पित कर दिया है इसी सेवा के लिए। तो जब मैं समर्पित हूँ इस सेवा के लिए, तो ये कुदरत का डिसीजन है, ये उस यूनिवर्सल माइंड का डिसीजन है, या यूं कहें कि ये इवेंट पूरी तरह से
दिल्ली के बहुत से लोगों ने आयोजित किया है, उनके अंतर आत्मा ने आयोजित किया है, उनके अंतर मन ने आयोजित किया है। हम तो केवल पात्र हैं, केवल माध्यम हैं, केवल मीडियम हैं, जिनको जहां भी एक चुंबक जैसे लोहे को खींचता है तो वो खींचा चला जाता है। तो ये मैंने नहीं, आपने नहीं, बल्कि दिल्ली के उन सोल्स ने इस प्रोग्राम को आयोजित किया है, उन्होंने इसे क्रिएट किया है। हम तो केवल पात्र बनकर वहां खड़े होंगे। तो मैं खुद बड़ा एक्साइटेड हूं दिल वालों की दिल्ली में आने के लिए और उन सबसे मिलने के लिए। बहुत बहुत मुबारक दिल्ली वालों, आपने इसको चुना है वर्कशॉप को, और जरूर 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 भाग लीजिएगा सर। वेलकम टू दिल्ली। मैं भी बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए, और लोगों को क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे ये भी देखने के लिए। तो क्या परिवर्तन की बेला है सर, किस किस तरह से लोग ये जाने कि उनको क्या क्या लाभ होंगे, ये वर्कशॉप किस तरह से स्पेशल है? यशनाथ जी, वैसे तो ये समय ही बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस समय में ये पूरी धरती अपने धरतीवासियों को लेकर के एक उच्च चेतना में, जिसे हम 5D स्पेस कहते हैं, वहां पर शिफ्ट होने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, एक बहुत बड़ी घटना, जिस घटना के लिए हमने हजारों साल इंतजार किया और हम सब ने इस समय पर, इस धरती पर होना चुना। हम न केवल इस घटना के साक्षी बनेंगे, हमारे होते हुए ये घटना होगी, बल्कि हम सब इस घटना के को क्रिएटर बनकर, सहरचनाकार बनकर इस घटना में योगदान डालेंगे, इस घटना को क्रिएट करेंगे। अब ये घटना इतनी खास है तो ये समय खास होने के साथ साथ हम सबकी एक बड़ी जिम्मेवारी भी बनती है। ये जिम्मेवारी ये है कि हम अपने अंदर काम करें, बिकॉज ये लड़ाई बाहर की कम अंदर की ज्यादा है, और अंदर की लड़ाई होने के कारण हमें अपने अंदर काम करना है। तो दो जिम्मेवारियां बनती हैं हमारी। पहला कि हम अपने अंदर क्लीनिंग करें, सफाई करें, डीपर क्लीनिंग की आवश्यकता है, क्योंकि हमने जन्मों जन्म से इस माया के अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर जो कलेक्ट किया, हर जन्म में अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए, वो टॉक्सिक एक्सपीरियंसेस, वॉर के एक्सपीरियंसेस, लड़ाई के एक्सपीरियंसेस, टॉर्चर के एक्सपीरियंसेस, पनिशमेंट के एक्सपीरियंसेस, फैमिली टॉर्चर के एक्सपीरियंसेस, सो वो पेनफुल एक्सपीरियंसेस को हमने अपने मन के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। फिर फियर की, इनसिक्योरिटीज की मेमोरीज जो हैं वो हमारे मन के अंदर हैं, हर्ट की मेमोरीज हमारे अंदर हैं, वो सब जो हमने कलेक्ट किया, फिर वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे किसी भी काम की नहीं होने वाली आगे चल करके, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारे सिस्टम, वो सारे रूल्स, वो सारा रूल बुक जो हमने याद करके रट के इस माया के हिसाब से रखा है, जो इस जेल में ही चल रहा था, जो आगे बिल्कुल नहीं चलेगा, और अगर वो हम अभी भी अंदर भर के रखेंगे तो आगे जाना मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज ये पहाड़ की चोटी पर चढ़ने जैसा है, जहां इतना भार उठाकर, इतने भारी बस्ते उठाकर नहीं जाया जा सकता, तो इसलिए ये बैगेज को हमें छोड़ना पड़ेगा। ये इनर क्लीनिंग की आवश्यकता है। हमारे अंदर जो भी पैटर्न्स हैं, जो भी बिलीफ सिस्टम बन गए, जो भी हमारी आदतें बन गई, जो भी हमारे अंदर पेन की मेमोरीज हैं, जो अभी भी कभी भी ट्रिगर हो जाती हैं, उन सबको अभी साफ करना है, क्योंकि उन सब के कारण हमें शरीर की बीमारियां, मन की बीमारियां, फियर, इनसिक्योरिटीज, ये सब आ रहा है। तो उन सबको साफ करने के लिए बहुत से टूल्स, टेक्निक्स मैं दिल्ली वर्कशॉप में साझा करूंगा। दूसरा जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि हम तैयारी करें। शुद्धि के बाद हमारी तैयारी की आवश्यकता है। तैयारी क्या? इस 5D शिफ्ट के लिए, प्रेपरेशन के लिए, कि हम अभी अपनी चेतना को वहां ले जाने की प्रैक्टिस करें जहां हम स्वयं के जीवन के रचनाकार बन जाते हैं, क्रिएटर रोल को जीने लग जाते हैं, अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ना कि यहां वहां से अपने जीवन के लिए हेल्प मांगते हैं, बल्कि अपने जीवन के रचनाकार बन जाते हैं। शेर का बच्चा शेर, उस क्रिएटर का बच्चा क्रिएटर। तो बस वो रोल ऑलरेडी हमारे अंदर है, उसको केवल एक्टिवेट करने भर की देरी है। तो ये दोनों चीजें ही दिल्ली के इस 2 दिन की कार्यशाला में, रिट्रीट में, मैं सभी के साथ साझा करूंगा। वो टेक्निक्स, वो विधियां जो मैंने उच्च मास्टर से सीखी हैं, वो सब मैं अपने सभी भाई बहनों के साथ साझा करूंगा।
तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल वर्कशॉप, कि हम क्लीनिंग भी करेंगे और हम अपने अंदर वो क्रिएटर रोल को एक्टिवेट भी करेंगे। जी 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 बहुत ही बढ़िया, बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, बहुत ही मजा है आने वाला है सर। जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे पैटर्न्स हो जाते हैं जन्म जन्म के, हमारे जो कर्म है उनसे, जो हमारी विश्वास है उनसे, तो जैसे आपने बताया कि हम उनको क्लीन करेंगे, सबसे पहले तो हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? पहले हम ढूंढेंगे फिर उन्हें हटाएंगे, तो ये कैसे होगा 2 दिनों में? देखिए, वो ढूंढना तब तक मुश्किल है जब तक हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। एक कहानी आपने जरूर सुनी होगी कि एक बूढ़ी औरत सड़क के पास आकर के अपनी सुई ढूंढ रही थी स्ट्रीट लाइट के नीचे। तो एक लड़का वहां खड़ा देख रहा था, उसने आकर के पूछा, मैया क्या ढूंढ रही हो? तो कहती, मैं सुई ढूंढ रही हूं। वो लड़का भी ढूंढने लग गया, दोनों को कुछ नहीं मिला। कुछ देर ढूंढने के बाद उसने पूछा, माँ खोई कहाँ थी? वो कहती, खोई तो मेरी कुटिया के अंदर है, पर वहां बड़ा अंधेरा है, इसलिए मैंने सोचा बाहर रोशनी में जाके ढूंढ लेती। तो ढूंढना मुश्किल नहीं है, सिर्फ हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। ये मन, हम सिर्फ कॉन्शियस लेवल पे इस मन को ज्यादा जीते, वेयर एज ये मन का एक गहरा स्तर है जिसे हम अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। हमारा सबकॉन्शियस ही हमें कंट्रोल करता है, हमें ड्राइव करता है। तो इसके लिए हमें अपने भीतर, अपने सबकॉन्शियस लेवल पे जाना, जो कि हम उन्हीं 2 दिनों में जाएंगे और जाकर के उन परतों के नीचे से उन सभी पैटर्न्स को निकालेंगे। और जब हमने निकाल लिया, देख लिया, तो देखने भर से उसको निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। तो ये आसान रहेगा, आसान है, क्योंकि हम अभी तक गलत जगह ढूंढ रहे थे। हमारी दृष्टि केवल वहां पड़ेगी, अवेयरनेस से, सजगता से जब देखेंगे तो ये बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि अभी बहुत सा ब्रह्मांडीय सपोर्ट भी, यूनिवर्सल हेल्प भी हम सबको प्राप्त है, इसलिए ये बहुत आसानी से होने वाला है। और उन 2 दिनों के बाद व्हेन एवरीबॉडी विल गो बैक होम, तो वो अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा बदलाव देखने वाले। जी 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 तो बहुत अच्छा सर। सर जैसे आपने अभी कहा कि अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने वाले हैं, तो किस तरह से लोग एक्सपेक्ट करें अपनी ग्रोथ को, अपने चेंजेस जो हैं बिहेवियर के साथ या अपनी पर्सनालिटी के साथ, किस तरह से ये ग्रोथ उनको दिखेगी? यशना जी, पहली बात तो हम ग्रोथ को किस पैरामीटर पर देख रहे हैं, हमारे पैरामीटर्स क्या हैं, वो भी थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए तो और बेहतर हो जाता है उस ग्रोथ को समझना। ये जीवन एक सपने के अंदर है, हम सपने को सच मान रहे हैं, एक इल्यूजन, एक भ्रम को सत्य मान रहे हैं। और हमने जन्मों जन्म से इसी सपने को सुंदर करने के लिए और सुंदर बनाने के लिए ही मेहनत की है। ये सपने में ग्रोथ, क्योंकि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी आपको बोलेगा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और एक आध्यात्मिक गुरु भी आपको यही बोलेगा आगे बढ़ो। परंतु दोनों के आगे बढ़ने के अंदर अंतर है। मोटिवेशनल स्पीकर आपको ये बोलेगा आगे बढ़ो कि इस सपने को और बड़ा करते जाओ, इस सपने को और बड़ा करते जाओ, तुम्हारे पास 1 करोड़ है, 10 करोड़ तक जाओ, एक गाड़ी है, 10 गाड़ी बनाओ, एक मकान है तो 10 बंगले बनाओ, इस सपने के अंदर रहो। और फिर जब ये सूट बदलो तो सब का सब यही रह जाए, अगली बार सपने में आओ तो फिर से इसी सपने को सुंदर बनाने में लगो। यही हमने जन्म के बाद दूसरे जन्म और अनेकों जन्मों में किया है। जब आध्यात्मिक टीचर ये कहता है आगे बढ़ो, तो उसका अर्थ होता है अब आप इस सपने से बाहर निकल जाओ, अब आप इस बार 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 लेयर्स जो सपने के अंदर सपना, सपने के अंदर सपना में फंसते जा रहे हैं, इस जेल रूपी सपने में से बाहर निकल जाए। तो बाहर निकलने के लिए, क्योंकि वो असली ग्रोथ वही है, तो अभी वो समय आ चुका है जब हम सभी छलांग मारकर, जंप मारकर इस धरती के साथ इस जेल को तोड़कर बाहर चले जाए। तो हमारी असली ग्रोथ यही है कि हम अपने आप को, अपने असली स्वरूप को पहचाने, जाने, देखें, धरती के इस असली स्वरूप को जाने और देखें। और साथ ही साथ 2 तरह की अवेयरनेस हमें होनी चाहिए। एक, इस मैट्रिक्स के बारे में अवेयरनेस,
इस माया के बारे में अवेयरनेस, क्योंकि अभी तक तो आंखें मूंद कर बैठे हैं, बहुत से लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा ये क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, कौन सा ग्रेट शिफ्ट, कौन सा ग्रेट इवेंट, कौन सी सोलर फ्लैशेस, कौन सा पोल शिफ्टिंग, ये नहीं जानते। वो केवल इस सपने में है, सुबह दुकान पर गए, रात को आ गए, रात से सो गए, खाना खा करके फिर से अगले दिन दुकान और घर। तो उनको इस सब में से निकलने के लिए दो तरह की अवेयरनेस चाहिए, पहला इस माया के बारे में, मैट्रिक्स के बारे में अवेयरनेस, और दूसरा इस ग्रेट शिफ्ट के बारे में अवेयरनेस। तो ये दोनों चीजें जब समझ में आती हैं तो व्यक्ति की ग्रोथ, उन्नति शुरू हो जाती है, क्योंकि अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे अंदर सारी शक्ति पहले से है, हमारे अंदर इस पूरे कॉस्मोस का, यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान है, परंतु हम केवल अनअवेयर हैं, सजग नहीं हैं, इसीलिए हम इस सपने में कैद हैं। हमें किसी ने कैद नहीं किया, एक बार कैद किया छोड़ दिया, अब हम स्वयं ही कैद हैं, हम अपनी फ्री विल का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, एक इच्छा ही नहीं बन रही कि हम इसमें से बाहर निकलें। तो केवल वो जानकारी, वो अवेयरनेस अंदर एक प्रबल इच्छा को पैदा कर देती है, जिससे ग्रोथ शुरू हो जाती है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया इस समय ये पूरा यूनिवर्स, हर व्यक्ति की अपनी आत्मा ये चाहती है कि हम इस समय का पूरा पूरा सदुपयोग करते हुए धरती के साथ असेंड हो जाएं, शिफ्ट हो जाएं, उस पार हो जहां पर केवल केवल आनंद है, प्रेम है, सुख है, शांति है, समृद्धि है, जहां कोई बीमार नहीं होता, जहां कोई मृत्यु नहीं है, जहां कोई दुख नहीं है, जहां कोई कमी नहीं है, जहां कोई अभाव नहीं है, जहां कोई युद्ध नहीं है, जहां कोई छीना चपटी, हर्ट, हेट्रेड नहीं है, तो वहां केवल आनंद है, प्रेम है, शांति है। तो ऐसे स्थान पर कौन नहीं रहना चाहेगा, हर कोई जाना चाहेगा, केवल अवेयरनेस की कमी है। तो वहीं से ग्रोथ शुरू हो जाती है, और जब आपको वहां जाने के लिए साधन मिल जाते, क्योंकि मान लीजिए मैंने दिल्ली आना है तो मैं पैदल आऊंगा तो बड़ा लंबा समय लगेगा, साइकिल स्कूटर पे आऊंगा तब भी लंबा लगेगा, थोड़ा कम हो जाएगा पैदल के मुकाबले, और अगर मैं गाड़ी में आऊंगा, रेलगाड़ी में आऊंगा तो और थोड़ा समय कम लगेगा, परंतु यदि जहाज में आऊंगा तो समय बहुत कम लगेगा। इसी तरह से जाना है ये समझ में आने के बाद अब बारी है गति की, स्पीड की। तो जो ट्यूल्स, टेक्निक्स, जो विधियां हैं, उनके बाद जब उनकी जानकारी मिलती है, उनको सीखा जाता है, तो हम जहाज की यात्रा कर लेते हैं, हमारी गति बढ़ जाती है, फिर समय भी कम लगता है। तो ये सब कुछ वहां पर होने वाला है, जिससे ग्रोथ, और ग्रोथ भी स्पीड के साथ हो सकती है और जरूर होगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। अभी आपने एक वर्ड यूज किया, माया, और हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं माया, और बहुत बहुत अलग अलग कंटेक्स्ट में हम सुनते आ रहे हैं। सर एक्चुअली माया क्या है? माया, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, कहते हैं माया ठगनी है, माया छलती है। माया असल में हमारी ही बिना अवेयरनेस के क्रिएशन का एक हिस्सा है। ये माया, ये मैट्रिक्स जिसे हमने ड्यूअलिटी में आकर के बनाया, हम सब कुछ अनुभव लेने के लिए यहाँ आए, और अनुभव लेने जब आए तो इस ड्यूअलिटी में आकर फंस गए, जहाँ हर चीज, हर अनुभव दो में है, अपना पराया, सच्चा झूठा, सुख दुख, है ना। तो यहाँ पर हर अनुभव दो में मिलता है, तो दो में जब आकर हम फंसे तो हम ये भी मानने लग गए कि मैं और ईश्वर, मैं और परमात्मा अलग अलग है, वो भी दो है। जब ये हुआ तब सबसे बड़ी भूल हुई, और यही गलती ने इस माया को बल दे दिया, अदरवाइज क्रिएशन थी। तो जब हमने अपने आप को और उस क्रिएटर को अलग माना, तो हमने अपने आप को उस क्रिएटर की क्रिएशन से भी अलग मान लिया। जब हम और क्रिएटर अलग हो गए तो हम और क्रिएटर की क्रिएशन भी अलग हो गए, अन्यथा जब हम वननेस में थे और अभी जब वननेस में जाएंगे तो हम क्रिएटर, और हम और क्रिएटर की क्रिएशन सब एक होंगे। तो यहां पर जब हम क्रिएटर और उसकी क्रिएशन अलग हो गए तो ये माया बनती गई, बुनती गई। इस माया में हमें कंट्रोल करने के लिए अनेकों प्रकार के कॉन्सेप्ट्स,
सिस्टम बना दिए गए, जैसे पाप पुण्य, जैसे स्वर्ग नरक, जैसे धर्म अधर्म, इस तरह के सिस्टम बना दिए गए जिसमें हम स्वयं फंसते चले गए। जब पाप और पुण्य की परिभाषाएं यहां पर बनाई गई, उस क्रिएटर ने तो नहीं बनाई, यहां पर बनाई गई, और हर जगह पर पाप और पुण्य की परिभाषा अलग है, हर धर्म में अलग है, हर समुदाय में अलग है, हर संप्रदाय में अलग है, हर समय में अलग है। जो 19वीं शताब्दी में शायद पाप था, आज नहीं है। पहले विधवाओं के बारे में, उनकी रीमैरिज के बारे में सोचना पाप होता था, आज उनकी शादी कराना पुण्य है। इस तरह से अनेकों चीजें समय समय पर पाप और पुण्य की कैटेगरी में आती जाती रही। तो ये सब यहां पर बनाया गया, यहां पर बनाया इसलिए गया ताकि ये हमें कंट्रोल में रख सके। ये माया की क्रिएशन है, तो हमें कंट्रोल में रखा जा सके। अब क्या है कि जब इंसान उस पाप और पुण्य के दायरे में, लिमिटेड स्फीयर में अपने आप को रखता है, तो उससे कोई ना कोई भूल जरूर हो जाती है। और जब भूल होती है तो मानव की चेतना बिल्कुल नीचे गिल्ट में, शर्मिंदगी में चली जाती है। इस धरती पर, इस माया में सबसे बड़ी जो तकलीफ है वो यही है कि मानवता गिल्ट और शर्मिंदगी में ही रही। और बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ऋषि महर्षि, बड़े बड़े ज्ञानी जन, वो सब भी गिल्ट और शर्मिंदगी में रहे। चाहे वो भीष्म पितामह जैसे योद्धा थे, चाहे वो कर्ण था जो कई बार भगवान कृष्ण से मिले, ज्ञान भी लिया, परंतु वो शर्मिंदगी और गिल्ट में से ना निकल पाए। और सबसे बुरी बात यह है, चेतना के इस मैप की बात करें तो सबसे नीचे चेतना जो है वो गिल्ट में और शर्मिंदगी में होती है। और यही वो ट्रैप है जहां पर ये माया चाहती है कि हम कभी यहां से बाहर ना निकलें और इस माया को और बड़ा बनाते जाए। तो इसलिए अभी इस समय आ चुका है कि पाप पुण्य स्वर्ग नर्क, ये कर्म पिछले जन्मों का आगे जाएगा, ये कैरी फॉरवर्ड होगा, ये सब अभी यहां पर बंद होने वाला है, वैनिश होने वाला है, ये सब समाप्त होने वाला है पूरी तरह से, जिससे हम आसानी से आगे जा पाएंगे। माया को हमने अनजाने में बल दिया, बड़ा बनाया, ये हमारी ही क्रिएशन हो गई सिर्फ एक भूल से कि हम और वो क्रिएटर अलग है। तो अब वापस से हम और वो क्रिएटर एक होने वाले हैं, हम और उसकी क्रिएशन एक होने वाले हैं, तभी हम अपने जीवन को क्रिएट कर सकते हैं, या यूं कहें क्रिएट कर सकते। तो अभी माया के टूटने का समय आ चुका है। दैट्स अ रियली रियली गुड टाइम, बेस्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत ही बढ़िया सर, ऐसा लग रहा है कि ज्ञान के साथ साथ पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन भी होगा इस रिट्रीट में। और मतलब ज्ञान तो मिलेगा ही, अवेयरनेस तो बढ़ेगी ही, पर टेक्निक्स जैसे हम किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन में लाएं, ये हमें जरूर मिलने वाला है इस रिट्रीट में। और जैसे आपने कहा कि पाप पुण्य स्वर्ग नरक, तो पाप और पुण्य का आपने थोड़ा सा हमें बताया, स्वर्ग नरक के बारे में भी कुछ प्रकाश डालिए, क्या एग्जैक्टली स्वर्ग नरक होता है? देखिए, जैसे एक जेल है, तो जेल के अंदर अलग अलग सेल्स हैं। जेल को चाहे आप सोने की जेल बना दो, परंतु वो जेल ही है। वो अलग बात है कि आप सोने की बना देंगे तो सोने के आकर्षण में उस जेल से बाहर निकलने की इच्छा नहीं बनेगी, परंतु कब तक, कैद तो कैद है। स्वर्ग नरक भी इस कंट्रोल मैकेनिज्म का ही हिस्सा थे। जब पाप पुण्य को बनाया गया कि मानव चेतना गिल्ट में रहेगी, शर्मिंदगी में रहेगी और इस ट्रैप में बार बार फंसी रहेगी, जो व्यक्ति आत्मग्लानि में है वो कभी भी अपने बारे में, अपने क्रिएटर रोल के बारे में नहीं समझ सकता है। वो एक ग्लानि के अंदर है, अपने आप को हीन नीचा ही समझता है, अपने आप को बुरा ही समझता है। तो इसी तरह से ये बात कि अगर पाप और पुण्य के ट्रैप में से, स्कैद में से कोई व्यक्ति यदि बाहर निकलने का प्रयास भी करेगा, कोई व्यक्ति यदि बाहर निकलने की कोशिश भी करेगा और ये प्रश्न पूछ लेगा, या उसके मन में केवल ये प्रश्न जाग जाएगा कि भाई मैंने तो सारी उम्र जो ये पाप और पुण्य की श्रेणी में एक्शंस को डालते हैं, मैंने सारी उम्र पुण्य किया फिर भी दुख पाया, उस व्यक्ति ने सारी उम्र घोर पाप किया फिर भी बड़ा सुखी रहा। तो जब ये प्रश्न मन में आता है कि सत्य क्या है ये जाने, तब एक नई चीज डाल देगी, वो है स्वर्ग और नरक। कि नहीं नहीं, तुमने सारी जिंदगी पुण्य किया, तुम्हें आगे चल के मृत्यु के उपरांत स्वर्ग मिल जाएगा। और उसने
बहुत खराब किया, उसको यहां तो बड़ा सुख मिला पर आगे जाके नर्क मिल जाएगा। अब स्वर्ग और नर्क को भी बता दिया गया, स्वर्ग में अप्सराएं हैं, स्वर्ग में ये है, स्वर्ग में बड़ा कुछ है, देवी देवता हैं, स्वर्ग में बड़ा ऐश्वर्य है, सुख है, नर्क में बहुत सजाएं हैं, बहुत पनिशमेंट है, बहुत दुख है। मुझे बताइए, स्वर्ग का जो राजा, हमने कितनी कथाओं में पढ़ा देखा, वो ही भयभीत रहता है, राजा इंद्र, वही असुरक्षित रहता है, उसकी गद्दी को ही हमेशा खतरा बना रहता है। हमने तो बड़ी बार देखा, कभी वो शिव के पास हेल्प लेने जा रहा है, कितने सारे टीवी सीरियल भी देख लिए, कभी वो कहीं जा रहा है, कभी तो किसी ऋषि ने उसको कीड़ा बना दिया हजारों सालों के लिए। तो ये सब जब भय और असुरक्षा उस स्वर्ग में भी कम नहीं है, तो वो भी तो जेल है, इस जेल का एक दूसरा सेल है, यहां पर अलग ढंग से जेल में, वहां पर अलग ढंग से जेल में। तो ये इसी माया का क्रिएशन है, स्वर्ग और नर्क, ये कहीं अलग नहीं है, ये यहीं पर है, इसी डायमेंशन में है, सिर्फ हम इसमें से बाहर निकलने की कभी कोशिश ना कर सकें, इच्छा ना बना सकें कि पाप पुण्य में देख लिया, अब स्वर्ग नर्क में सेटिस्फाई हो जाएं कि चलो हमें स्वर्ग मिलेगा, उसको नर्क मिलेगा, तो हम इस ड्युअलिटी में फंसे रहें, इस रिवॉर्ड और पनिशमेंट सिस्टम के साथ जुड़े रहें। ये सब कुछ ब्रेक करने का टाइम आ चुका है, और ये ब्रेक हो चुका है, इसको बस हमें यहां से समझना है, और फिर जब ये माया, ये सपना ही खत्म हो गया, आपके सपने में सब कुछ है, आप केवल उठे, तो जैसे ऋषि अष्टावक्र जी कहते हैं कि सपने में से बाहर निकलना ही आपकी मुक्ति है, तो बस ये मुक्ति का समय है। जी, बहुत ही बढ़िया सर। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि धरती पे दिव्य ज्योतियां दिख रही हैं, तो क्या इनका लिंक एक्सटेंशन से है, उत्थान से है? ये जो नॉर्दर्न लाइट्स अभी कुछ दिन पहले दिखी धरती के कई हिस्सों पर, ये असल में जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, वहां पर दिखाई देती हैं, परंतु जैसे जैसे पोल जो हैं वो इक्वेटर, मध्य रेखा, भूमध्य रेखा की ओर झुक रहे हैं, तो उस झुकाव के कारण अब ये धरती के कई अलग अलग हिस्सों में भी दिखाई दे रही, और साथ ही साथ ये भी हो रहा है कि जो हमारे धरती का चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी कम होता चला जा रहा है। अब वो चुंबकीय क्षेत्र कम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे गिर रहा है, और ये पोल्स भूमध्य रेखा की ओर झुक रहे हैं, तो इसलिए धरती के अलग अलग हिस्सों में ये ऑरोरा लाइट या नॉर्दर्न लाइट्स या ध्रुवीय ज्योतियां दिखाई दे रही, इवन लद्दाख में भी, इसको 2023 में भी और अभी भी कुछ दिन पहले लगभग 11 मई शायद, तो उसमें भी ये दिखाई पड़ी थी। ये साफ साफ संकेत हैं कि पोल्स जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे ही ये इक्वेटर के, मतलब भूमध्य रेखा के आसपास के एरियाज में दिखाई देंगी, ये नॉर्दर्न लाइट्स आपको इक्वेटर के आसपास दिखाई देने लग जाएंगी, तब वो समय है जो कहा जा रहा है कि हम उस मेन इवेंट के बिल्कुल करीब होंगे, जब पोल शिफ्टिंग भी होगा और वो मेन इवेंट हो जाएगा। ये सोलर फ्लेयर्स यानी सेंट्रल सन से होकर उस मेन सोर्स की जो ऊर्जा है वो धरती तक और हम तक पहुंच रही है, ये हमारे अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव कर रही है, हमारे पुराने बिलीफ एकदम से पलटने वाले हैं, एकदम से उल्टे से लगने वाले हैं हमें, और नया हमारे अंदर प्रकट होने वाला है। तो ये पूरी तरह से उत्थान के साथ कनेक्टेड हैं, हमारी असेंशन के साथ कनेक्टेड हैं, ये लाइट्स हमारे अंदर एक ऐसा प्रकाश, एक ऐसी क्षमता, ऐसी संभावना को बनाने वाले हैं जिससे हम उस नए को देख सकेंगे, समझ सकेंगे और एक्टिवेट करके जी सकेंगे, जिसे हम कहते हैं कि ईश्वर के साथ एक होने का अनुभव, वननेस का अनुभव। तो ये पूरी तरह से एक अच्छी खबर है उन सब साथियों के लिए जो असेंशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो इस क्षण की वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए इट्स अ गुड न्यूज दैट इवेंट बहुत नजदीक है। बहुत ही बढ़िया सर। सर, ये जो सोलर फ्लेयर्स हो रहे हैं और बहुत सारे लोग मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, फिजिकली भी बीमारियां आ रही हैं, तो क्या ये सोलर फ्लेयर्स के कारण आ रही हैं? और क्या ये हमारी जो वर्कशॉप है, जो रिट्रीट है, वो इन बीमारियों में या जो मेंटल सिचुएशन है, जो इश्यूज हैं, उसमें भी कुछ मदद देगी क्या? देखिए, ये तो बहुत पहले से आप सुन रहे होंगे कि ज्यादातर बीमारियां साइकोसोमेटिक होती हैं, मन से उत्पन्न होने वाले रोग हैं, तो मैंने पहले भी बताया कि मन की शुद्धि का समय आ गया है,
अगर हम मन की शुद्धि नहीं करेंगे तो जैसे एक तालाब के नीचे सतह पर गंदगी पड़ी होती है और वो जब तक सफाई नहीं होती, ऊपर से तालाब को देखें तो बड़ा शांत सा, बड़ा साफ सा दिखता है, परंतु जब सफाई अभियान शुरू होता है तो नीचे की गंदगी, काई, शैवाल सब ऊपर आकर दिखने लग जाती कि इतना गंद था नीचे, और फिर उसको बाहर निकाल लिया जाता है और तालाब साफ हो जाता है। इसी तरह से हमारे मन के अंदर ये जो जमा पड़ा है ये सब अब सतह पर आने वाला है। सतह पर इसलिए आने वाला है क्योंकि जन्मों जन्म का पहले क्या था, हम अगले जन्मों में कैरी फॉरवर्ड कर लेते थे कि आगे ले जाते थे, अभी ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होना है, अभी हम इसमें से मुक्त होने वाले हैं, बार बार इसी मैट्रिक्स में नहीं आने वाले हैं, बार बार जन्म मरण और इसी जेल में नहीं रहने वाले हैं। तो इसलिए ये क्लीनिंग है, क्लीनिंग फॉर एवर होने वाली है, हमेशा के लिए एक ही बारी में। तो ये सफाई का ही एक हिस्सा है। जब हम सजग नहीं है, हम अवेयर नहीं है, हम जानते नहीं है, ना हम मन को साफ कर रहे हैं, और न केवल मन बल्कि मन से फिर वो शरीर में भी आने लग जाता है, पेन के रूप में, बीमारी के रूप में, दर्द के रूप में, और उसको हम ही बना रहे हैं, हम ही उसके क्रिएटर हैं। इसलिए इस वर्कशॉप में भी हम अपने मन को और मन के साथ साथ शरीर में भी यदि इसके पैटर्न्स आ गए हैं, कोई पेन आ गया है, कहीं कोई बीमारी आ गई है, तो कैसे हम उसमें से भी बाहर निकल सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। असेंशन की बात करें तो बहुत से लोग समझते हैं कि ये असेंशन सिम्टम्स हैं, पेन बढ़ गया है, उनको डायरिया हो रहा है, तो किसी भी तरह के इस अनुभव के साथ ऐसे नहीं जुड़े कि ये असेंशन सिम्टम्स हैं, असेंशन की ओर बढ़े। ये सिम्टम्स हैं, ये बदलते रहते हैं, परंतु जब आप मन को साफ कर लेते हैं तो ये असेंशन सिम्टम्स और शरीर की शुद्धि भी, मन के साथ साथ शरीर की शुद्धि पर भी ध्यान देते हैं, हल्का भोजन खाते, नो टॉक्सिक फूड, नो टॉक्सिक थिंकिंग, नो टॉक्सिक पीपल, नो टॉक्सिक डिस्कशंस, जब ऐसे आप कुछ समझते हैं, इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो आप ये पाते हैं कि आपका शरीर भी हल्का है और मन भी हल्का है, और आप उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये दोनों चीज़ें इस कार्यशाला में ज़रूर सिखाई भी जाएंगी, डिस्कस भी की जाएंगी और प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही अच्छा। हर जब भी आपको ये आंसर दे रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है ये वर्कशॉप अभी शुरू हो जाए और अभी हम सब कुछ सीख लें। तो मतलब इंतजार की जो घड़ियां हैं वो कब समाप्त होंगी, देखते हैं जल्दी जल्दी। और सर, हमारा जैसे देश बहुत ही ज्यादा इस तरह का है कि बड़ों ने जो कह दिया उसको हमने मान लिया, और बहुत सारे लोग उसको फिर मान के अपना बिलीफ सिस्टम एक श्रद्धा पूर्वक उसको फॉलो करने लगते हैं। बहुत ज्यादा लोग जो नहीं मानते हैं उसको वो अंधविश्वास की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो अब क्या हम श्रद्धा पे, अपनी जो आस्था है उस पे प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए कि जी ठीक है, अब थर्सडे को बाल नहीं धोने? तो कई लोग पूछते हैं जी क्यों नहीं धोने, और कई लोग कहते हैं नहीं, बड़ों ने कह दिया तो हमने मान लिया। और हमारे तो वैसे भी देश बहुत ज्यादा साइंटिफिक प्रथाओं पे चलता है, तो क्या ये सही है कि हम प्रश्न चिन्ह उठाएं इस पर? देखिए, जो आस्था है ये अनक्वेश्चन्ड कमांडेंट्स ऑफ माइंड है, कि हमारे मन ने इन्फॉर्मेशन लिया, उस पर कोई प्रश्न नहीं किया और उसको एक बिलीफ बनाकर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बनाकर अंदर स्टोर कर लिया। अब आप देखिए, वो कई कई जन्मों तक हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आगे ले जाते हैं। इसीलिए जुड़वा बच्चे भी यदि पैदा होंगे तो उनकी आदतें बचपन से ही डिफरेंट हो जाएंगी। क्यों? उनके पीछे के बिलीफ, पीछे की आस्था, पीछे की इन्फॉर्मेशन, अनक्वेश्चन कमांडेंट्स आर डिफरेंट। जितने भी संत आए, सच्चे संत, उन्होंने आकर लोगों की आस्था पर ही चोट मारी। उन्होंने लोगों को यही बताया, चाहे गुरु नानक थे, कबीर थे, फरीद थे, जीसस थे, बुद्ध थे, महावीर थे, उन सब ने एक ही बात करी कि लोगों को ये बोला कि ये सत्य नहीं है, ये अंधविश्वास की श्रेणी में ले आइए, ये आपके बिना पूछे हुए प्रश्नों के कारण आपके अंदर आपने मान लिया, इसलिए आप ये कर रहे हैं। अब मेरे पास अभी ये सब जानते हुए भी, ये जानकारी के बावजूद इतना सारा ज्ञान बट रहा है, मिल रहा है, एक कुछ कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं, फॉर एग्जांपल, मैं 40 साल से व्रत रख रही हूँ, तो अगर मैंने इस बारी नहीं रखा व्रत तो कहीं मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए, कहीं पति को कुछ ना हो जाए।
तो वहां पर व्रत रखने का कारण क्या है? पीछे जाकर हमें समझना है वो है फियर, वो है डर। तो जब आप कोई भी एक्शन कर रहे हैं जिसके पीछे का इंटेंशन डिफरेंट है, अभी एक्शंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, अभी इंटेंशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इंटेंशन जैसी है आपकी चेतना वहीं जा रही है। तो जब चेतना डर में घिरी हुई है, इतनी नीचे है उस स्केल में, तो कैसे आपका उत्थान हो सकता है, कैसे आप आगे जा सकते हैं? इसलिए अभी हमें अंदर के भावों को समझना है, और वो तभी समझ सकते हैं जब आस्था रूपी ऊपर जो कवच है ये भी माया नहीं दिया, तो उसको हम एक बार प्रश्न पूछें, अपने अंदर ये प्रश्न डालें और उसको खोलें, तोड़ें, उस शैल को ब्रेक करके बाहर आए। तो अभी वाकई में ये समय आ चुका है जब हम इस हर सिस्टम से, हर वो इंफॉर्मेशन से जो हमें उस वननेस, उस एकत्व को जीने से रोक रहा है, उसे अब प्रश्न पूछें, प्रश्न दागें अपने अंदर, उस सिस्टम को, उन विचारों को, उस बिलीव सिस्टम को, ताकि ये टूटे और हम इस शेल में से, इस जेल में से, इस मन की क्रिएटेड जेल में से बाहर आ जाए। जी, तो अवेयरनेस बढ़ानी बहुत जरूरी है। हम जो भी कर रहे हैं, वो जो भी एक्शन है, हम अवेयरनेस के साथ करें, और उसका फिर जब हमारे पास अवेयरनेस आ जाएगी तो इंटेंशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और फिर वो जो इंटेंशन होगी वो हमारे जो मन पे प्रभाव डालेगी उसी का पूरा खेल है। बिल्कुल सही। जी, बहुत बढ़िया सर। हमने सुना है अनहद नाद के बारे में कि जो, और बहुत सारे जो ध्यानी मित्र हैं हमारे, उनको भी अनहद नाद सुनाई देता है और निरंतर उनके कानों में चलता रहता है। थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्या होता है ये अनहद? अनहद नाद को हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं, इसके बारे में इतनी बड़ी बात लिखी गई कि जिसको अनहद नाद एक बार सुनाई पड़ जाता है वो फिर इस माया से मुक्त हो जाता है, उसको ये, उसकी चेतना को ये उच्च चेतना में ले जाकर के ही छोड़ता है। उसका मुक्त होना, इस जेल से बाहर जाना गारंटेड है। नाउ अनहद नाद एक ऐसी ध्वनि है जो बिना किसी साज के बजाने के भी अंदर एक नाद, एक साउंड के रूप में बज रही है। पहले पहले ये झींगुर की आवाज के रूप में सुनाई देती है, और फिर धीरे धीरे जब व्यक्ति को और गहरे में ले जाती है तो ये नाद बदल जाता है, ये साउंड बदल जाता है, ये डिफरेंट डिफरेंट साउंड, कभी शंख, कभी मुरली, कभी मृदंग, इस तरह से आवाजें बदलती जाती है। परंतु ये सब अंदर हो रहा है, ये बाहर नहीं, ये अंदर घटित हो रहा है। इसलिए ये अनहद नाद जो है ये इस समय एक बहुत ही कमाल का टूल है, एक साधन के रूप में यूनिवर्स हमें दे रहा है। मैंने कहा कि ब्रह्मांडीय सपोर्ट इस समय भरपूर मिल रही है, इस समय इट्स अ गोल्डन टाइम फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर दिस अर्थ। सो अनहद नाद एक ऐसी ही सहायता है जिससे अभी अनेकों ध्यानियों को, अनेकों साधकों को ये नाद जो सुनाई पड़ रहा है, जिससे उनकी चेतना एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की ओर बढ़ने लग जाती है, एक हायर फ्रीक्वेंसी में वो उनको जोड़ देता है उनके ध्यान को, क्योंकि नाद आपको एक शांति, भीतर की शांति की ओर ले जाता है। तो आप चाहे काम कर रहे हैं, सोते जगते, उठते बैठते, खाते पीते, व्यवहार करते, ये सब नाद जब सुनाई पड़ रहा है अपने कानों के अंदर, तो आपको अंदर की शांति में स्थित कर देता है। पहले पहले लोग इसके लिए प्रयास करते थे, वो झींगुर को पकड़ करके डिब्बी में डालकर कान के पास रखते थे, प्रैक्टिस करते थे, कुछ जगह पर ऐसा प्रैक्टिस किया जाता था ताकि इस साउंड की उन्हें आदत पड़ जाए, रात के सन्नाटे की आवाज जो हम सुनते हैं। तो अभी वो सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी नेचुरली ये अंदर ही प्रकट हो रहा है, अंदर घटित हो रहा है। तो ये बहुत सहायक है इस समय अनहद नाद, तो जिससे हमारी जो चेतना है वो उच्च आवृत्ति में, हाई फ्रीक्वेंसी में सेट हो रही है। जी, तो इस वर्कशॉप में भी क्या हम इसकी टेक्निक्स सिखाएंगे, सीखेंगे, जी, और मतलब इस शायद वर्कशॉप में भी शॉर्ट टर्म नहीं? इन 2 दिनों में भी जो रहेगा वो हम अनहद नाद के बारे में और विस्तार से जानेंगे। और अनहद नाद यदि हमें अभी सुनाई नहीं देता या कम समय के लिए सुनाई देता है, तो कैसे उसके साथ और जुड़े, उस समय अवधि को कैसे बढ़ाया जाए,
और यदि सुनाई नहीं पड़ता है तो कैसे हम अपनी चेतना को उसके साथ जोड़ें, बिकॉज वो भी एक फ्रीक्वेंसी है, तो उस फ्रीक्वेंसी पर अपने आप को कैसे सेट करें वो भी हम डिस्कस करेंगे, और हम अनहद नाद के साथ जुड़ेंगे भी, बिल्कुल अंदर का नाद उसके साथ जुड़ेंगे। बहुत मजा आने वाला है सर। ऐसा लग रहा है कि बस मतलब वो फीलिंग अनंतनाद वाली, क्योंकि बहुत सारे ध्यानी मित्र उस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं और हमेशा लगता है कि यार कब हम उस स्टेज तक पहुंचेंगे। एक अनंतनाद जैसी एक फीलिंग एक हमें सुनाई दे, हम उसके बारे में परिचित हैं पर हम उसको एक्सपीरियंस कर पाए, तो इन 2 दिनों में हमें और ज्यादा जानकारी मिलेगी, टेक्निक्स भी मिलेगी, बहुत मजा आएगा सर। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। सर बहुत सारे लोग ना रिस्पॉन्स की जगह रिएक्ट कर देते हैं, मतलब मैंने कोई बात सुनी, मेरे अंदर और कुछ चल रहा है, मैंने फटाफट से बस बोल दिया जो बोलना था। पर ये एक स्किल है जो हम सभी को डेवलप करना चाहिए। सर ये कैसे करते हैं और किस तरह से, मतलब बाद में हमने अपना आकलन कर लिया, अपना एनालिसिस कर लिया कि ठीक है यार ये हमने रिएक्ट कर दिया, रिस्पॉन्स करना चाहिए था, हमें सोच समझ के करना चाहिए था, पर हमारे पास वो टाइम फ्रेम नहीं था, शायद हमारी उतनी फ्रीक्वेंसी नहीं है, हमने फटाफट से जवाब दे दिया, पर वो अब गलत था क्योंकि हम अवेयरनेस कम थी हमें। तो ये इसको कैसे हम डेवलप करें, इसको कैसे कल्टीवेट करें? जब हम अपने आप को, चेतना कम शरीर ज्यादा, चेतना कम मन ज्यादा समझते हैं, तो हम इस शरीर और मन के चक्कर में रहते हैं। ये एक अभ्यास की बात है, जब हम अपने आप को चेतना ज्यादा, शरीर कम, चेतना ज्यादा, ये मन कम समझे, क्योंकि हम दो चीजों की यदि प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, एक हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, दूसरा हम जस्टिफिकेशन नहीं देंगे अपने, क्योंकि ज्यादातर देखिए ज्यादातर क्या चल रहा है कि हम हर काम इस डर से करते हैं कि हाँ ये किया तो बेटे को बुरा लग जाएगा, किए तो पति को बुरा लग जाएगा, ये किया तो समाज को बुरा लग जाएगा, और यदि हम कुछ करते भी हैं तो हम उसकी जस्टिफिकेशन, उसकी पुष्टि जरूर करते कि मैंने क्यों किया है, तो इस चक्कर में रहते हैं। जब हम इस चीज की प्रैक्टिस करने लगते हैं तो हम चेतना के स्तर पर पहुंच जाते हैं। व्हेन वी लिव, हम अपने आप को चेतना ज्यादा, मन और शरीर कम समझते हैं, तो हमारा ये जो समय है इमिडिएटली प्रतिक्रिया देने का, क्योंकि ये तब करते हैं जब आप केवल मन के कॉन्शियस स्तर पर रहते हैं, ऊपरी ऊपरी सतह, ऊपरी ऊपरी परत पर जीना और पूरा जीवन ऐसे जीना, इमिडिएटली जो भी हुआ वो गुस्से में बोल गए, इमिडिएटली हुआ वो दुख आ गया, वो हर्ट में बोल गए, इमिडिएटली जेलेसी का वो आ गया, क्योंकि ये क्या है, ये मन के अंदर की, वही तालाब के अंदर की गंदगी है जो बार बार सतह पर आती है, मुखाई शैवाल है। तो जब मन की शुद्धि हो जाएगी, सब कुछ साथ साथ में चलता है, मन की शुद्धि हो रही है, मन की शुद्धि हो रही है, मन के अंदर के ये सारे के सारे विकार बाहर जा रहे हैं, मन के अंदर की गंदगी साफ हो रही है। अब मन जब साफ होता है, जैसे धुंध नहीं है, तो आपको दूर तक का व्यू साफ दिखाई देता है, जी सड़क दूर तक देख पाते हैं, और धुंध में आपको बिल्कुल पास में भी देखने के लिए बड़ा मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। तो इसी तरह से जब मन साफ हो जाता है तो आप मन के गहरे तक देख सकते हैं, वही मन जो आपको तकलीफ दे रहा था, आपको इस चक्र में फंसा कर रखता था कि एकदम से आप गुस्से में आग बबूले होकर के कई कुछ बोल जाते थे, बाद में आपको गिल्ट होता था, पछतावा होता था कि ये मैंने क्या किया। तो इस कार्यशाला में हम इस बात की, इस सत्य को, परम सत्य को जानेंगे कि हम कैसे गिल्ट से, हर प्रकार के गिल्ट से मुक्त रहें, हर प्रकार की शेम से मुक्त रहें, और हम अपनी चेतना को कैसे ऊपर ले जाएं, जिसमें हम रिएक्ट करने के इस चक्रव्यूह से भी बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ये एक बाय प्रोडक्ट है, ये एक प्रसाद है जो हमें अपने आप मिल जाता है जब हम मन को शुद्ध कर लेते हैं, मन को शुद्ध करते हैं, चेतना के स्तर पर ज्यादा जीते हैं। जब हम चेतना हैं तो शरीर के ऊपर मक्खी बैठ गई, मधुमक्खी बैठ गई, तो तकलीफ कम है। अगर शरीर ज्यादा है तो फिर तो बहुत तकलीफ है, बहुत बड़ी
खतरे की बात है, बहुत बड़ी तकलीफ हो जाती है शरीर पर, एक खरोच भी आ जाए तो, है ना। जब मैं अपने आप को गाड़ी ही समझूंगा तो मेरी गाड़ी पर खरोच आएगी तो मैं तो किसी भी हद तक मरने मारने तक चला जाऊंगा। जब मैं समझूंगा कि गाड़ी एक सिर्फ साधन है, वाहन है, तो फिर मैं इजीली आगे बढ़ जाऊंगा। तो बस यही प्रैक्टिस है, यही सजगता है जो हमें एक बार नहीं बल्कि बार 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 प्रैक्टिस करना है। तो इन दिनों में, 2 दिनों में भी हम कोशिश करेंगे कि इसको कई बार प्रैक्टिस करें। इन 2 दिनों में हम अपने चेतना के स्तर पर ही रहें, अपने आप को शरीर कम मन कम चेतना ज़्यादा समझें, और फिर उसी प्रैक्टिस को हम अपने वापस घर ले जाएं। अपनी रूटीन को फॉलो करते हुए भी हम चेतना के स्तर पर ही रहें, जिससे हम इस जी चक्रवृत्ति लूप से भी बाहर निकल जाएं। जी 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 तो मतलब अगर मन को साफ रखें तो वो एक्सीडेंट होने का खतरा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आगे पड़ी जो धुंध है वो हमें हमारी चली जाती है, हमें दूर तक दिखने लगता है। तो जब दूर की दृष्टि साफ होगी ना हमारी, तो हम आराम से जवाब भी दे पाएंगे, रिस्पॉन्स भी कर पाएंगे, और ये बहुत ही अच्छा हमको ये लाइफ स्किल डेवलप हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सर, हमारे दिल्ली वालों के लिए, या दिल्ली ही क्यों, पूरे उत्तर भारत के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या संदेश है आपकी तरफ से ये वर्कशॉप के लिए? क्या निमंत्रण, किस तरह से निमंत्रण है सबको? मैं जो भी साथी दिन के अंदर एक बार ये आता है सुनने के बाद कि मुझे जरूर जाना चाहिए, और बाद में जब वो अपने पीछे मुड़कर देखता है घर कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो क्या कहेंगे, इसको कैसे मनाऊंगी, इसको कैसे मनाऊंगा, ये वाला काम कैसे होगा, छुट्टी कैसे मिलेगी, ये वो है कि आप पीछे देखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कि हमने खुद को इतनी रस्सियों से बांधा है कि हम देख तो पीछे रहे हैं परंतु उल्टे होकर के एक एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इतना सुंदर टाइम है, अपनी उन रस्सियों को, उन बेड़ियों को खोलिए, अपने आप को 2 दिन का समय दीजिए और मुंह आगे की ओर करके अपनी आत्मा के उत्थान के लिए जरूर आइए। क्योंकि यदि आप इस ऊर्जा को समझते हैं, इस ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं, इस ज्ञान के साथ जुड़ते हैं, इस एनर्जी शिफ्ट को समझकर अपने आप को हायर फ्रीक्वेंसी पे ले जाते हैं, तो ना केवल आपका बल्कि आप अनेकों और आत्माओं का भी भला कर पाएंगे, फायदा कर पाएंगे, उनके उत्थान में भी, उनके असेंशन में भी आप उनके साथी बन पाएंगे, उनकी हेल्प कर पाएंगे। तो अपने लिए और औरों के लिए आपको यहाँ आना है, आपको एक फ्रंट रनर के तौर पे अपने आप को ट्रेन करना है। हम सब मिलकर के एक पुल बना रहे हैं, एक द्वार जो सुनहरी द्वार है जो सबके लिए खुलने वाला है, तो वो खुलने के लिए हम आगे हों, ये हमने, हमारी आत्मा ने और इस ब्रह्मांड ने चुना है। इसलिए यदि इन्फॉर्मेशन आप तक आ रहा है तो बस पीछे मुड़कर इसीलिए देखें कि आपको वो रस्सियां काटनी है जो आपको आज तक बांध कर जकड़ कर रखे हुए थी, और वो रस्सियां यदि आप थोड़ा और भीतर जाकर देखेंगे तो वो आप ही ने बांधी थी। आपको ही लगता था कि मैं नहीं तो कौन, यही तो करना है, यही रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी। आपको स्वयं के लिए भी 49% कार्य करना है और दूसरों के लिए 51%। जब आप ऐसा करते हैं तो आप सच्चे मायने में न केवल स्वयं बल्कि और अनेकों को भी इस उत्थान की ओर आगे ले जाते हैं। इसलिए मैं आप सभी का इंतजार कर रहा हूं, आए मिल करके ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ करके इस उत्थान के लिए, इस महापरिवर्तन के लिए, इस महान शिफ्ट के लिए तैयारी करें और एक ऐसा सामूहिक ऊर्जा बनाएं, एक ऐसी एनर्जी को क्रिएट करें जिसमें सिर्फ हम नहीं बल्कि और अनेकों लोग भी इस उत्थान की ओर आगे बढ़ जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर आए, आपने इन सब प्रश्नों का उत्तर दिया। बहुत सारे लोग रजिस्टर कर चुके हैं, और जो रजिस्टर करने वाले हैं उनके कुछ प्रश्न थे, और अब बहुत ही खूबसूरती से आपने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। हम बहुत एक्साइटेड हैं यहाँ पर जुड़ने के लिए और इसको अटेंड करने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी जरूर 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 आइएगा,
अपने परिवार वालों को भी लाइएगा। देखिए सैटरडे संडे है क्योंकि ये 1 जून और 2 जून को होने वाला है, तो सैटरडे संडे हम क्या करते हैं, या तो मॉल चले जाते हैं, या कोई सीरीज देख लेते हैं, या कोई मूवी देख लेते हैं। पर ये समय है अपनी उन्नति का, अपने उत्थान का, तो जरूर आइएगा और देखिएगा कि इन 2 दिनों को अटेंड करके, ये वर्कशॉप अटेंड करके आपका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो जाएगा। आपकी जो सोचने की शक्ति है, जो सोचने का पैटर्न है, वो चेंज होने वाला है और बहुत सारे लाइफ स्किल्स आपके डेवलप होने वाले हैं, तो बहुत मजा आने वाला है। इट विल बी अ फन प्लस इट विल बी अ गुड लर्निंग। तो जरूर आइएगा, आप सभी को निमंत्रण है और सारी डिटेल्स आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पा लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर आने के थैंक लिए, एंड सी यू इन द वर्कशॉप। यू।